क्या आपने कभी सोचा है कि गन्ने के रसबंती गृह के नाम कानिफनाथ या नवनाथ क्यों होते हैं और मशीन पर घुंघरू क्यों बांधे जाते हैं? कहानी जाती है तब जब महाराष्ट्र में शुगर मिल्स नहीं थे और तब पुरंदर, भोपगांव और निकट के गांवों के किसानों ने गन्ने का रस शरबत की तरह बेचना शुरू किया। तब गन्ने का रस बैलों की मदद से निकाला जाता था और बैलों की घुंघरू की आवाज़ मार्केटिंग का काम करती थी। बैलों की घुंघरू की आवाज़ को कायम रखने के लिए आज भी मशीन पर घुंघरू बांधे रहते हैं और यहाँ के नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए रसवंती गृह का नाम नवनाथ या श्री कानिफनाथ होता है।